नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयूर, स्वागत है आपका ज्ञान पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एनटीपीसी ने अपनी आने वाली परीक्षा की तिथि को घोषित कर दिया गया है, और हम सबको पता है कि इस साल रेलवे ने एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स ऐसे कुल अन्य पदों को मिलाकर लगभग 35,000 के आसपास वैकेंसी निकाली है, और इस 35,000 पर कुल फॉर्म 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़। दोस्तों, हमें रेलवे का सिलेबस पता है, जिसमें मैथ 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर और जीएस, जिसे हम जनरल स्टडीज कहते हैं, जनरल स्टडीज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैथ्स को हर बच्चा कवर कर लेता है, रीजनिंग को हर बच्चा कवर कर लेता है, लेकिन किसी बच्चे को अगर समस्या उत्पन्न होती है तो वह है जनरल स्टडीज में, क्योंकि इस 40 नंबर के जनरल स्टडी का हम पाठ्यक्रम या सिलेबस को देखें तो यह अपने आप में एक विस्तृत है, अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है, और जिसे आज सितंबर तो 15 दिसंबर, मतलब 60 दिनों में कवर करना एक खुद में अपने आप में चैलेंज है। दोस्तों, हम यहां पर एक लक्ष्य लेके आए हैं कि इस जीएस को, इस 40 नंबर को कैसे इन 60 दिनों में प्राप्त किया जाए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस 40 नंबर को हम आराम से पार कर लेंगे। दोस्तों, आज हम इसी जीएस के एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, यह जीएसई नहीं, हर एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अक्सर बच्ची की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर देखी जाती है तो इसी इंडियन पॉलिटी में देखी जाती है। तो आज हम इसी इंडियन पॉलिटी को ऐसे ढंग से पढ़ेंगे कि यहां चुटकियों में, उंगलियों में आपको, मतलब नींद से जब जागो तब भी आपको, मतलब इनके सवालों के आंसर दे सको, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक। और ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में जैसे सिलेबस में दिया है, पाठ्यक्रम में दिया है कि इंडियन पॉलिटी में सबसे अगर ज्यादा अगर महत्व रखता है तो दो टॉपिक रखते हैं, एक है मौलिक अधिकार, और एक है भारतीय संसद। इन दो टॉपिक में से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, तो आज हम इन दो में से पहला चैप्टर देखेंगे, मौलिक अधिकार, और इन मौलिक अधिकारों को हम इस तरह पढ़ेंगे कि मतलब इसका एक भी पोर्शन छूटेगा नहीं, और एग्जाम में 100% यही से क्वेश्चन बनेंगे। बस आप कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है, और लगातार इस क्लास को देखते रहे, और जिसने लाइक नहीं किया होगा वो लाइक के बटन दबा दे और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं।
भारतीय संविधान ने भारत में रहने वाले या भारत के बाहर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। आज मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, आप घूम रहे हो बाहर, ठीक, आप विदेश जा रहे हो, आप कहीं पे बोल रहे हो, अपनी अभिव्यक्ति रख रहे हो, यह मौलिक अधिकार है। अगर यह नहीं होते, यह नहीं होते तो यह जीवन एक मनुष्य जीवन नौकर एक जानवर जीवन हो जाता, एक कैदी जीवन हो जाता, ठीक। तो मौलिक अधिकार एक्चुअली है क्या, ये मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध, मौलिक अधिकार राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध भारतीय तथा कुछ अपवाद स्वरूप विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मतलब कि राज्य, राज्य मतलब कोई स्टेट नहीं, राज्य मतलब कोई स्टेट नहीं। हम आगे देखेंगे कि राज्य के अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन से संस्था आते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, हम सब देखेंगे। राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध, कठोर नियमों के विरुद्ध प्रत्येक भारतीय तथा अपवाद स्वरूप विदेशियों को प्राप्त अधिकार। राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक भारतीय तथा कुछ अपवाद स्वरूप मतलब कुछ विदेशियों को प्राप्त अधिकार, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग तीन में, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद, जिसे आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित किया गया है। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 12 को समझेंगे, और मुझे आशा है कि आपको मौलिक अधिकार क्या है यह समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय तथा कुछ अपवाद स्वरूप विदेशियों को राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु दिए गए अधिकार। अभी अधिकार किसने दिए, तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक। अगर हम, वैसे तो आपके सिलेबस के रिलेटेड नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि मौलिक अधिकारों का अगर सबसे पहले उद्गम हुआ होगा तो यह था अमेरिका की क्रांति से, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, वहां से मौलिक अधिकारों की बात छिड़ी है, ठीक। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की अगर बातें उठी होंगी तो उठी थी अमेरिका क्रांति से, ठीक। तो आइए दोस्तों, आज हम अनुच्छेद 12 को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13 को देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा को बतलाया गया है। मैंने इसके पहले जिस राज्य नाम के शब्द का उल्लेख किया था उसी राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बतलाई गई है। यदि प्रश्न बने आपका कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 12 नोट डाउन कर लीजिए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब राज्य की परिभाषा दी गई है मतलब राज्य होता क्या है, ठीक। तो राज्य के अंतर्गत नंबर एक भारतीय संसद, भारतीय संसद, विधानमंडल जिसे हम, जिसके अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद दोनों, और इसके अंतर्गत लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों, ठीक। भारतीय संसद, भारतीय विधानमंडल तथा
स्थानीय निकाय जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नेंस, स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नेंस, ठीक है, स्थानीय निकाय। अब स्थानीय निकाय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? स्थानीय निकाय के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जिला परिषद आदि, ठीक। इसके साथ ही कुछ सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन जिसे एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भेल, गेल, सेल, वह सभी संस्थान जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है, या सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि राज्य की परिभाषा आपको अच्छे समझ में आई होंगी। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय विधानमंडल जिसमें विधान परिषद, विधानसभा तथा कुछ एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, वह संस्थान, वह संगठन जो राज्य तथा केंद्र के अंतर्गत कार्य कर रही है, स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि, यह सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। मतलब जिस प्रकार कहा था कि मौलिक अधिकार राज्यों के कठोर नियमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, मतलब इन सब के जो भी कठोर नियम होंगे, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई ए व्यक्ति है और वह भेल में जॉब कर रहा है, ठीक, और कोई व्यक्ति बी है और भेल वाले कह दे कि मैं आपको जॉब में नहीं लेता, मैं आपको यह नौकरी नहीं देता, ठीक। मतलब एक व्यक्ति के लिए नौकरी अवेलेबल है, एक व्यक्ति के लिए नौकरी अवेलेबल नहीं है, ठीक। उसके लिए कुछ अलग शर्तें हैं, इसके लिए कुछ अलग शर्तें हैं, या एक सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको कि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अधिकार है कि वो उसे सबसे पहले कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। क्यों? क्योंकि उसको वह अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त किया है। राज्य का कठोर नियम है कि आपको गिरफ्तार कर लिया, राज्य का कठोर नियम है कि आपको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपको संरक्षण प्रदान किया मौलिक अधिकारों ने, और इसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को बतलाता है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान आएंगे, और जिसमें लोकसभा, राज्यसभा मतलब भारतीय संसद, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, गैर सरकारी, सरकारी संगठन, स्थानीय प्रशासन, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हम अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। हम मौलिक अधिकार को देख रहे हैं और अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13, यह अनुच्छेद मोस्ट आईएमपी अनुच्छेद है, ठीक। इस अनुच्छेद के बारे में एक ऐसी जानकारी बता दूंगा आपको मैं जो अधिकतर संस्थान बताने के भूल जाते हैं, ठीक। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि ऐसा कोई कानून लाया जाए, ऐसा कोई कानून आता है जो मूल अधिकारों के असंगत हो, मतलब मूल अधिकारों के असंगत हो का मतलब होता है कि मूल अधिकारों का हनन करे, ऐसा कोई कानून आता है जो मूल अधिकारों का हनन करे, हनन मतलब उनको कम करे, ऐसा कोई कानून आता है जो मूल अधिकारों को कम करे या खत्म करे, ऐसे कानून को शून्य घोषित किया जाएगा। मतलब अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में क्या अंतर है, और अधिकतर लोग कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं,
उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 13 को और गौर से पढ़ा जाए तो ये न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि ऐसा कानून संसद द्वारा पारित, ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे, मूल अधिकारों को हनन करे या मूल अधिकारों को कम करे, ऐसे कानून को न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। इसके पहले मैंने कहा था कि ऐसा कानून संसद द्वारा बनाया गया, ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का हनन करे या मूल अधिकारों को कम करे, वह शून्य घोषित हो जाएगा। और अब कहा है कि न्यायालय द्वारा, तो यही फर्क है दो आर्टिकल में। आगे अनुच्छेद 32 में अच्छे से बताऊंगा आपको, लेकिन एक डिफरेंस क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि ऐसे कानून को शून्य घोषित किया जाएगा, ऐसे कानून को अमान्य घोषित किया जाएगा, लेकिन कौन करेगा यह बात अनुच्छेद 13 नहीं कहता, लेकिन कौन करेगा यह बात अनुच्छेद 13 नहीं कहता, यह स्पष्टीकरण करता है अनुच्छेद 32। तो यह फर्क होता है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में। ठीक, अनुच्छेद 13 कि ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे या मूल अधिकारों को कम करे, उसे शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक, तो इसके संबंधित जो विवाद हमारे न्यायालय के समक्ष आए, इससे संबंधित जो भी विवाद हमारे न्यायालय के समक्ष आए, उन विवादों पर हम एक छोटी सी नजर डालते हैं। ठीक, अनुच्छेद 13 ने कह दिया था कि ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे, उसे अमान्य या शून्य घोषित किया जाएगा। और इसी साल संसद 1951 में प्रथम संशोधन करती है, प्रथम संविधान संशोधन करती है। अब प्रथम संविधान संशोधन किस लिए किया जाता है? हमने इतिहास में पढ़ा है कि ब्रिटिश काल में कोई भूनीति की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मतलब किसी के पास 100 एकड़, किसी के पास 200 एकड़ और किसी के पास कुछ भी नहीं। तो जैसे ही भारत देश स्वतंत्र होता है तो हमारे सरकार के पास, हमारे नेताओं के पास सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि इस भूमि सुधार को कैसे लागू किया जाए, इन भूमि सुधारों को कैसे लागू किया जाए। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इन भूमि सुधारों को कैसे लागू किया जाए। इसलिए भारतीय संसद प्रथम संशोधन लाती है, और जिनके पास ज्यादा भूमि हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 एकड़, जिनके पास ज्यादा भूमि हो, उनसे उनकी भूमि सरकार अपने कब्जे में लेकर, अपने हिसाब से उस भूमि का आवंटन करेगी। ठीक, प्रश्न यह उठता है कि जैसे ही प्रथम संविधान संशोधन होगा, किया गया और लोगों की भूमि राज्य द्वारा अपने पास विलित कर ली गई, अपने पास ले ली गई, ठीक वैसे ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया, केस का नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। शंकर प्रसाद एक व्यक्ति थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। याचिका इसलिए दायर की क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि को राज्य द्वारा अपने पास अधिग्रहित कर लिया गया था। राज्य ने अपने पास भूमि ले ली,
शंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट गए और वहां कहा कि अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे, मूल अधिकारों को कम करे या मूल अधिकारों को समाप्त करे, और अनुच्छेद 31 हमारा संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 हमारा संपत्ति का अधिकार है, ठीक। ये तो इसका विलोमन हो गया साफ साफ कि कोई भी कानून मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं करेगा और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति कितनी रखनी है, हमारी संपत्ति हमारी है, हम कितनी भी रख सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, और संसद को डायरेक्ट कम कर रही है। शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार का विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों दिया, एक सोचने लायक बात थी, क्योंकि उस समय नई नई सरकार गठित हुई थी, ठीक है, और वे सरकार में वे लोग थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना एक राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनको लगा कि ये जो कदम उठा रहे होंगे वह जनहित के लिए होगा, ठीक। लेकिन आगे चलकर जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी युग आता है, वहां पर कहीं ना कहीं एक तानाशाही देखने को मिलता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1991 में जो निर्णय दिया था वह कहीं ना कहीं इस वक्त गलत हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार अपने हित के लिए मौलिक अधिकार को अपने कंट्रोल में ले सकती है, उसको उसका अल्पीकरण कर एक मानव जीवन को एक धोखादायक जो चीज होती है वो कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में और एक केस आता है, हम यह आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं सब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में और एक केस आता है जिसे कहते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। बनाम मतलब होता है वर्सेस पंजाब सरकार 1967। दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। और इस केस में संसद ने यह कहा कि संसद आर्टिकल 368 जिसके तहत हमें संविधान संशोधन की शक्ति मिली है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि संविधान संशोधन की शक्ति किस देश से ली गई है, तो आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका, ठीक। कि संसद आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसका अल्पीकरण नहीं कर सकती, मतलब शंकरी प्रसाद के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, अपने ही निर्णय को पलट दिया। एक निर्णय में उसने कहा, शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ बनाम भारत सरकार में संसद ने कहा कि संसद 368 आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। सरकार न्यायालय ने अपने फैसले को उलट दिया और यह जजमेंट दिया था 11 लोगों की बेंच ने, 11 न्यायाधीशों की बेंच ने, जिसमें फैसला 6-5 से हुआ था, उस वक्त की सबसे बड़ी बेंच थी।
इस वक्त की सबसे बड़ी बेंच ने फैसला दिया था, 11 न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला दिया था और फैसला 6-5 से फैसला आया था। अब इंदिरा गांधी सरकार थी, सरकार पूरी खोल गई और उसने तुरंत 3-4 साल पश्चात उसने तुरंत 4 साल पश्चात एक संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया जिसे हम अच्छे से जानते हैं, उसे कहते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। जैसे गोलक नाथ बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों के किसी भाग को संशोधित नहीं कर सकती, तो वैसे ही सरकार ने 4 साल पश्चात 24वां संविधान संशोधन लाया और इसमें कहा गया कि संविधान संसद को पूरा अधिकार है कि वह आर्टिकल 368 का उपयोग करके मौलिक अधिकारों के किसी भाग को संशोधित कर सकती है। संसद को यह पूरा अधिकार है कि वह आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों के किसी भाग को संशोधित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका और संसद के बीच में आपसे लड़ाई देखने को मिलती है। एक फैसले में न्यायपालिका ने कहा कि संशोधन नहीं कर सकती, जैसे ही उसे संशोधन नहीं करने को कहा वैसे इसने संविधान संशोधन लाकर उसी के फैसले को पलट दिया न्यायालय को। इसलिए संविधान में एक शब्द कहा गया है, संसद के सर्वोच्चता, संसद की संप्रभुता और न्यायालय की सर्वोच्चता, ठीक, और यही सिद्ध करता भी है, ठीक। जैसे 24वां संविधान संशोधन आया, ठीक, और सरकार ने फिर से भूमि को अधिकृत करना चालू कर दिया, ठीक। इसी साल दूसरा संविधान संशोधन आता है, 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित भी करेगी और जो भूमि के दाम है वो भी खुद तय करेगी सरकार, ठीक। और दूसरी बात, एक चीज बता रहा हूं आपको, 39ख और 39ग ये दो नीति निर्देश तत्व है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्यों के कल्याण कर राज्य के निर्माण के लिए कोई राज्य को एक निर्देश दिए जाते हैं उसे कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। 39ख और 39ग ये दो निर्देश तत्व में कहा गया कि राज्यों को अगर कोई जमीन सामाजिक कार्य के लिए चाहिए और या लग रहा है कि इसका उद्देश्य समाज के भलाई के लिए है तो वह उसको हड़प सकती है, वो उसको ले सकती है, ठीक। जैसे ही 25वां संविधान संशोधन और दूसरी बात कि एक क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है कि जहां अनुच्छेद 14 आएगा वहां अनुच्छेद 31 सॉरी जहां अनुच्छेद 31 आएगा वहां पर अनुच्छेद 31ग, ठीक, जहां अनुच्छेद 31ग आएगा जिसके अंतर्गत इन्हीं की बात कही गई है वहां अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का हनन नहीं माना जाएगा, ठीक। इसे आगे देखेंगे हम, ठीक। 25वां संविधान संशोधन आया, ठीक। एक व्यक्ति थे जिनकी हाल ही में 2 दिन पहले मृत्यु हुई है, नाम था केशवानंद भारती, यह केरल के एडियार मठ के प्रमुख थे, ठीक। अच्छी खासी जमीन थी उनके वाली मठ की, इन जमीन को सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है, ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण कर लेते हैं, भूमि अधिग्रहण कर लिया जाता है। इसी समय वह केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं और इस याचिका में जैसे दायर करते हैं वो कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और केरल हाईकोर्ट से वो केस हार जाते हैं, ठीक। एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, पालखीवाला
पालकी वाला सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उस समय, ठीक है, इनकी सलाह पर केशवानंद भारती ने 1971 में उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर की, और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, ठीक, किसने दायर की थी कि केरल हाईकोर्ट ने उन संसद द्वारा 29वां संविधान संशोधन किया था, संसद ने संविधान संशोधन किया था 29वां संविधान संशोधन, इसको याद रखना दोस्तों, इस बार यह एग्जाम पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में इन व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, और हर व्यक्ति जो पॉलिटी पढ़ता है, हर व्यक्ति राज्य व्यवस्था पढ़ता है, ठीक है, उस व्यक्ति को यह केस केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार 1971 में दायर करते हैं, लेकिन केस का निर्णय 1973 में आता है, इसलिए 1973 लिखते हैं, जबकि केस को दायर 1971 में किया जाता है, जो केस दायर किया था, निर्णय 1973 में आता था, कभी भी निर्णय की बात करते हैं, केस दायर किया उस साल की बात नहीं करते, तो निर्णय की बात करेंगे, ठीक। 29वां संविधान संशोधन, ठीक, इस संविधान संशोधन में क्या किया था कि 9वीं अनुसूची संविधान की अनुसूची, इसमें 12 अनुसूची की बात की जाती है, 9वीं अनुसूची में केरल के भूमि संबंधित नियमों को डाल दिया था। मतलब क्या कि केरल का भूमि अधिग्रहण किए जो भी कर रहे थे, ठीक है, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। मतलब कि 9वीं अनुसूची में, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून को डाला जाता था उसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी, मतलब उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते थे, ठीक। इसी बेस पर केशवानंद भारती ने उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, ठीक। भारतीय संविधान के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, और यह बेंच थी 13 न्यायाधीशों की, यह बेंच थी 13 न्यायाधीशों की। दोस्तों पूछी जाती है कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच कितने न्यायाधीशों की थी, 13 न्यायाधीशों की थी। किस मामले में थी, केशवानंद भारती मामले में थी, और हाल ही में की मृत्यु हुई थी, संविधान संशोधन में पूछ सकते हैं, ठीक, हो सकता है कि व्यक्ति का नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते चलिए, ठीक, मैं तो यही नोट करूंगी, ठीक, आगे पढ़ पीछे सब पढ़ जाएगा, ठीक। 13 न्यायाधीशों का एक पीठ, एक बेंच बैठी, और इसका जजमेंट आया 6-7 से, मतलब केशवानंद भारती केस हार गए, केशवानंद भारती की हार, लेकिन वो कहते हैं ना, हार कर भी बाजीगर, ठीक है, तो वही हुआ, केशवानंद भारती केस तो हार गए, लेकिन न्यायालय ने इस जजमेंट में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा, संविधान का मौलिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा, ठीक है, कि ठीक है, इस जजमेंट में न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जो संविधान के मौलिक ढांचे को आघात करे, संविधान के मौलिक ढांचे को आघात करे, ऐसा संशोधन नहीं करेगी संसद जो संविधान के मौलिक ढांचों को इंपैक्ट करे, जो संविधान के मौलिक ढांचों को आघात करे। अब ये मौलिक ढांचा क्या, ठीक है, इसको मैं आराम से कभी बताऊंगा आपको। इसके अंतर्गत ऐसा जैसे कुछ कानून आते हैं, जैसे संसद के कुछ नियम, विधानमंडल के कुछ नियम, ठीक है, उतनी डिटेल में जाना नहीं है, ठीक, कि संसद के मौलिक ढांचे को कोई आघात ना करे, ठीक है, ऐसा संशोधन नहीं लाएगी, तो पूछ सकते हैं कि मौलिक ढांचे का संविधान किस वर्ष और किस केस में दिया गया था, केशवानंद भारती में। और एक याद रखने वाली बात कि इसी वर्ष, ठीक है, इसी वर्ष प्रस्तावना में संशोधन करते हैं फर्स्ट टाइम। हाँ, संशोधन वो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 का संविधान संशोधन था, लेकिन प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, अब तक प्रस्तावना सिर्फ
पहली बार संशोधन। अब तक प्रस्तावना सिर्फ एक बार संशोधित हो चुकी है, जिसमें समाजवादी बंधुत्व और पंथ निरपेक्ष ये तीन शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती में दिया गया था। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आज जितना पढ़ाया आपको समझ आया होगा। ठीक है, कल हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक, बैलेंस और संविधान संशोधन को देखेंगे और इसके बाद हम हमारे मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, जो मौलिक समानता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, एक समता और समानता, कल इसको देखेंगे, समता क्या होती है और समानता क्या होती है। तो कल हम मौलिक अधिकारों को देखेंगे, समता का अधिकार 14 से 18 तक पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और एक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।